नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर और आपके साथ मैं हूं मानसी तिवारी। महाराष्ट्र में नासिक जिले के करंजगांव में संभाजी महाराष्ट्र प्रतिष्ठान की ओर से अमेरिका के महाराष्ट्र फाउंडेशन पुरस्कृत राष्ट्र संत गाडगे बाबा के शिष्य सत्यपाल महाराज के प्रबोधन पर कीर्तन आयोजन किया गया था। इस समय पूरे नासिक जिले से विद्यार्थी तथा युवक हाजिर हुए थे। महाराष्ट्र में होने वाली किसानों की आत्महत्या, शराबबंदी, अंधश्रद्धा आदि विषयों पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया। विशेष तौर पर के वाघ जूनियर कॉलेज चंदोरी के विद्यार्थियों की भीड़ ज्यादा थी। इस समय संभाजी महाराज प्रतिष्ठान गोदाकाट की ओर से साल भर में ज्यादा से ज्यादा बार रक्तदान करने वाले लोगों को सत्कार किया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन के समानार्थ प्रतिनिधि के तौर पर कुछ विद्यार्थियों ने सत्कार किया गया। इस समय पंचायत समिति के सदस्य, सभापति, जिला परिषद के सदस्य आदि मान्यवर उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कलेक्टर केसी देव सेनापति के निर्देशन पर जिला प्रशासन सूरजपुर द्वारा 8 दिवसीय जिला स्तरीय सद्भावना रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन 14 नवंबर को संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विभाग, संस्था एवं समूह वर्ग की कुल 20 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रशासन एकादश, जिला पंचायत एकादश, पुलिस एकादश, वन विभाग, बैंक एकादश, पत्रकार मीडिया एकादश और व्यापारी संघ एवं अधिवक्ता संघ शामिल हुए। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर जिला खेल अधिकारी मोहम्मद गौस बेग द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। वहीं दूसरी ओर होली नूर पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान सरगुजा संभाग के कमिश्नर श्री अविनाश चंपावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि सूरजपुर जिले के खेल भावनाओं को देखते हुए इस खेल नुमा कैलेंडर को निरंतर जारी रखने कहा और कहा कि मैं आज सूरजपुर आकर बहुत ही अभिभूत हुआ हूं। वह मुझे फिर अवसर मिले तो मैं जरूर मंच का संचालन सीमांचल त्रिपाठी व आभार खेल अधिकारी मोहम्मद गौस बेग के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के विट्ठलवाड़ी पुलिस थाने के अंतर्गत आश्ले गांव में एक चर्च के पादरी द्वारा यह घृणित कारनामा किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिका युवती को डरा धमका कर एक पादरी ने उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, पादरी ने एक अन्य महिला मित्र को बुलाकर उस नाबालिका के साथ जबरन समलैंगिक संबंध भी बनवाया है। नाबालिका अपनी मां के साथ हर रोज चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाया करती थी, जिससे चर्च के पादरी गीत कुमार से अच्छी पहचान हो गई थी। आखिरकार एक पड़ोसी ने पीड़िता की मां को पादरी की हरकत के बारे में जानकारी दी। पीड़िता के मां की शिकायत पर विट्ठलवाड़ी पुलिस ने पादरी तथा उसकी मित्र महिला को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है, जहां कोर्ट ने उक्त दोनों को पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस स्टेशन विट्ठलवाड़ी में एक नाबालिग लड़की है 15 साल की, उसकी वो और उसकी माँ उसकी माँ ने यहाँ पर तकरार दी पुलिस में, क्योंकि उसके ऊपर अत्याचार हो गया है। तो उसके 376/377 और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया है और दो आरोपी है इसमें सहभाग मालूम हुआ है। पुरुष आरोपी है, जेंट्स है, और दूसरी लेडीज आरोपी है। दोनों को अरेस्ट किया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। पुलिस निरीक्षक खड़कीकर है, वो आयो है, वो तपास कर रहे हैं। सर ये कितने सालों से पीड़ित के साथ में? 2015 से वो लड़की के ऊपर वो आरोपी की तरफ से अत्याचार हुआ था और मारपीट का भी मामला कुछ? हाँ, मारपीट धमकी दिया था उसको, एक इंसिडेंट हुआ था उसमें कंप्लेंट में। आइए बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर। रोहतास जिले के परसथुआ थाना के भराड़ी में भूमि विवाद में एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं उसकी पत्नी को मारपीट कर घायल कर दिया गया। इसे इलाज के लिए कोचस PSC भी लाया गया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि परसथुआ में ही जमीन को लेकर दो पक्षों में पिछले 8 सालों से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर कई बार तनाव भी हो चुका है। लेकिन बीते रात उसी भूमि विवाद में बबन शाह को गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की तहकीकात में लगकर आरोपियों की गिरफ्तारी में लग गई है। बिहार थाना इलाके के भैंसासुर मोहल्ले में आरती देवी के मकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे घर में रखे लाखों रुपए मूल्यवान सामान जलकर खाक हो गए। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन दस्ता की टीम मौके पर पहुंची, मगर तब तक सभी सामान जल चुके थे। बताया जाता है कि आरती देवी मकान में ताला लगाकर कहीं जरूरी काम से बाहर गई हुई थी। अचानक उनके कमरे से आग की लपटें उठने लगी। मोहल्ले वासियों ने घर का ताला तोड़कर आग को बुझाया। इस अग्निकांड में करीब 5 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम है।
देखा गया कि जो रूम था बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। अगर समय से पहले अगर सूचना मिला हुआ रहता तो इतनी क्षति नहीं होती। ये आग पूर्व से ही लगी हुई थी लेकिन आग पर काबू पा लिया गया। बिहार में रोहतास के आरा सासाराम पथ पर बैचला के पास एक अनियंत्रित कार की ठोकर से बाइक सवार पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति और बच्चे जख्मी हो गए हैं। धर्मापुरा ओपी के खेखरा के रहने वाले मुन्ना राम तथा उसकी पत्नी पुष्पांजलि देवी अपने एक साल की बच्ची को इलाज कराकर बाइक से लौट रहे थे कि हादसा हो गया। आक्रोशित लोगों ने आरा सासाराम के बैजला में जाम कर दिया है। बताया जाता है कि एक कार पहले बाइक को ठोकर मार दिया, फिर एक खंभे से जाकर टकरा गई, जिससे बिजली का खंभा भी गिर गया। गनीमत है कि कोई और बड़ा हादसा नहीं हुआ। बिहार में लहेरी थाना क्षेत्र के पौष इलाका पटेल नगर इलाके में राजद के बिहार राज्य परिषद सदस्य सह वेन प्रमुख धनंजय प्रसाद के घर पर असामाजिक तत्वों के द्वारा हमला बोल दिया गया, जिसमें वेन प्रमुख बाल बाल बचे। धनंजय प्रसाद ने बताया कि बगल के ही पड़ोसी केदार प्रसाद 20 से 25 की संख्या में वेन प्रमुख धनंजय कुमार के घर लाठी डंडे और हथियार लेकर हमला बोल दिया। केदार प्रसाद पेशे से जमीन का ब्रोकर है और वह जमीनी विवाद में ही इस घटना को अंजाम दिया है। घटना में इस्तेमाल की गई तलवार भी पुलिस ने मौके से बरामद किया है। इस घटना में वेन प्रमुख धनंजय प्रसाद की पत्नी और दो बेटों को भी चोटें आई हैं। सभी को इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल इस मामले में दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सोए हुए में हमारे पुत्र भारतेंदु भूषण जो नीचे आग में बैगन पका रहा था, उसको जब हल्ला हुआ पूरा हंगामा 20-25 को हरवे हथियार तलवार बंदूक लेकर के केदार प्रसाद बगल में जो जमीन खरीदा है वो विक्रेता है दलाल है वो आ करके और 20-25 के दारू पी करके इस तरह से हमारे घर पर बाल बच्चे को मैंने दौड़े दौड़े आया तो देखा कि 25 की संख्या में एक कातिलाना हमला है, साजिश है, ये उच्च स्तरीय इसकी जांच हमको सुरक्षा करे गारंटी दे क्योंकि एक प्रमुख पर हमला हुआ है, ये उच्च राजनैतिक इशारे पर हमला हुआ है, इसकी सारी जवाबदेही अगर मुझ पर कोई हर तरह के पंचायत प्रतिनिधि की हत्या हो रहा है अगर कोई भी घटना घटती है तो इसकी सारी जवाबदेही प्रशासन को होगी। हमारा घटना है कि वहाँ पर स्कूल चलता है उसमें कहे तो मतलब है जो कि हम लोग बेटा से और गाड़ी लगाने में रोक लगाता है, हमारा बेटा से पैसा मांगता है कि रंगदारी दो तेजा स्कूल चलने देंगे अगर मजर हुआ जमीन में मैंने कहे है जो कि हमारा गेट खुला हुआ है छज्जा है और पूरा वजह गर मजर हुआ है जिसको हम लोग कमाड़ी को बंद किए हुए हैं। आज क्या हुआ? आज है जो कि वो तलवार से हमला किए हैं जिसका कि हाथ कटा हुआ है उनके हाथ में तलवार पकड़ा गया, ये प्रशासन भी बोलेंगे। कितना घायल है टोटल? जी घायल कितने हैं इसमें? घायल माने 3 हैं हम लोग। झारखंड में गिरिडीह के तिरंगा मोड़ के पास तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वैन ने एक बाइक में 4 सवार लोगों को अपने चपेट में ले लिया। बाइक सवार एक दंपति थे जो पति पत्नी सहित अपने 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ तेलिया बहियार से अपना घर नारंगी गांव लौट रहे थे कि तिरंगा मोड़ के पास ससरखो के पास तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप वैन ने अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में इस दंपति का बड़ा पुत्र साजन कुमार की मौत घटना स्थल पर ही हो गई तथा प्रदीप मंडल, कौशल्या देवी, सत्या कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को डुमरी के मीडिया जनरल अस्पताल लाया गया जहां सभी घायलों का इलाज किया गया लेकिन प्रदीप मंडल की स्थिति बिगड़ते देख चिकित्सकों ने रांची रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया। तिरंगा मोड़ के सामने पैशन प्रो बाइक में बोलेरो पिकअप और उसमें टक्कर हुआ। वो बोलेरो पिकअप वाला ड्राइवर पूरा पिए हुआ था और वो पूरा राइट साइड में आके मारा, वो रोक दिया था गाड़ी को। तो कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें से 4 घायल है, उसमें से एक स्पॉट डेथ साजन कुमार का वहीं हो गया और उसके पापा प्रदीप कुमार मंडल जो रांची रेफर हुआ उस दरमियान उसका डेथ हुआ और उसका बीबी है उसका माइनर फ्रैक्चर है और बच्चा भी घायल है। अच्छा 2 बच्चे थे क्या? हाँ उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे सब मतलब सभी लोग एक तो एक ही बाइक में एक ही बाइक में थे। झारखंड के दुमका में एक युवक बाइक खरीदने के लिए घर से निकला था लेकिन 5 घंटे बाद पुलिस को सड़क किनारे स्थित एक पुल के नीचे युवक की छत विशत शव मिला। युवक की मौत कैसे हुई यह रहस्य बना हुआ है। पुलिस इस मामले को खंगालने में जुटी हुई है। वहीं परिवार वाले इस मौत को प्री प्लानिंग मर्डर बता रहे हैं। दुमका रामपुर हाट मुख्य पथ पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के समीप एक पुल के नीचे पुलिस को अर्धनग्न छत विशत रूप में एक युवक का शव मिला है जबकि पुलिस को उसकी बाइक सड़क के ऊपर खड़ी मिली है। शव की पहचान शिकारी पाड़ा थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव का अजय बेसरा नामक युवक के रूप में किया गया है।
वह मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर दुर्गापुर स्थित अपने गांव में प्रैक्टिस कर रहा था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया में इस युवक की हत्या का प्रतीत होता है, जो घटना कहीं और कर साक्ष्य को छुपाने के लिए सड़क दुर्घटना का रूप देकर शव को पुल के नीचे फेंक दिया गया है। पुलिस हर बिंदुओं की जांच में जुट गई है। ऐसे तो घर से यहाँ से निकला था 3:30 बजे और वहाँ बुलेट मोटरसाइकिल लेने के लिए गया था फाइनेंस के लिए, लेकिन वहाँ काम कंप्लीट तो नहीं हो सका। तो वहाँ हम दोनों मोटा अंदाजा वही 5 बजे हम दोनों बात किए और उनको बोले ठीक है तुम लौट के आओ और हम लोग कल परसों गाड़ी ले लेंगे। इसके बाद वहाँ से वो कितना उन लोगों का दोस्त था वो 6:30 बजे उनको वहाँ से भेज दिया। घटना कहाँ पे है? घटना तो कोई दसोराय पुल के पास। लड़का जो है वो तो नदी के साइड में था और गाड़ी उनका ऊपर में। ऐसे तो हमको लग रहा है कि मैंने इसका हत्या कर दिया है, एक्सीडेंटल देखने में ऐसा लग रहा है। और जहाँ तक आज वहाँ जाने के बाद हम लोग देखे मुश्किल थाना में, तो वहाँ देखने के बाद ऐसे तो पुलिस भी बता रहे हैं कि मैंने ये एक्सीडेंटल तो है नहीं, देखने में लगता है कि मैंने इन लोगों का मर्डर किया गया। देखिए सुबह में ऐसा सूचना मिली कि दासोराइडी पुल के नीचे बालू के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। तो इस सूचना पर जब हम लोग वहाँ गए तो देखे कि मृतक का मोटरसाइकिल जो है अपाची वो पुल के पास सड़क पर लगा हुआ है और उसका शव जो है औंधे मुँह लेटा हुआ छाती के बल और पड़ा हुआ था। उसका कपड़ा जो पैंट था वो आपको खुला हुआ था, मतलब पैर के पास था और जांघिया में ही वो लेटा हुआ था। उसी पीरियड में देखने से ऐसा लगता है कि उसके साथ मारपीट हुई है और लगता है कि मार के उसकी हत्या की गई है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और उसके बाद जो है उसके लाश को छुपाने के लिए लगता है नदी में छोड़ दिया गया। अब बाकी बिंदु पर अब जांच पड़ताल हो रही है कि हत्या अगर हुई है तो किन कारणों से हुई और इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन चल। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती का विरोध प्रदेश में आर पार की लड़ाई तक पहुंचता नजर आ रहा है। रानी पद्मावती की छवि को गलत तरीके से पेश करने की राजस्थान के राजपूत समाज सहित विभिन्न समाजों और हिंदू संगठनों में भी भारी आक्रोश है। वहीं फिल्म को रिलीज होने से रोकने व विवादित दृश्यों को हटाने की मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन और उग्र प्रदर्शनों का दौर जारी है। लोगों ने बताया कि फिल्म को लेकर राजस्थानियों का गुस्सा होना लाजमी है। जिस वीरांगना पद्मावती ने अपने अस्तित्व और स्वाभिमान की रक्षा के लिए 16,000 रानियों के साथ अग्निकुंड की धधकती ज्वालाओं में कूदकर जौहर किया, उस पद्मावती का अपमान भरा राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि के रणबांकुरे सहन करे भी तो कैसे। रानी पद्मावती स्वाभिमान और बलिदानों का अमिट इतिहास है और इस इतिहास से छेड़खानी राजस्थान के बाशिंदे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं एक बात कहता हूँ, जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा, अगर रोक सको तो इस फिल्म को रोक दो, अगर नहीं तो ये देश को जलने के लिए जिम्मेवार पिछले कल के दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने गुजरात में इस बात का समर्थन करा है। कल्ली सेना की बात को सुना जाए, इस और दिशा देने का जो प्रयत्न इन्होंने किया है इसका बहुत बहुत। पद्मावती फिल्म का विरोध हो रहा है और बैन लगाने की मांग हो रही है। बैन का नहीं, जितना पार्ट ऐसा है जिसके कारण से कोई लोगों की हार्ट को पीड़ा होती है या कोई उनको दुख होता है उसको देख करके भंसाली जी से कहेंगे कि उन बिंदुओं को खत्म करके बाकी चीजों को। झारखंड के PIB सूचना और प्रसारण मंत्रालय रांची द्वारा ग्रामीण पत्रकारों के लिए हजारीबाग स्थित सूचना भवन में एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा शरीक हुए। उन्होंने मीडिया को चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि समाज में मीडिया की भूमिका अहम है। साथ ही उन्होंने प्रखंड स्तर पर समस्याओं को पत्रकारों से प्रमुखता से उठाने का आग्रह किया।
ताकि सुदूरवर्ती इलाकों तक विकास का लाभ पहुंचाया जा सके। इस मौके पर पत्रकारों के उत्तरदायित्व और अधिकार पर विस्तार से चर्चा की गई। झारखंड में बोकारो के दुगदा के घुटवे स्थित बना करोड़ों का अस्पताल पूरी तरह से बनकर 3 साल से तैयार है, लेकिन इस अस्पताल का उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। इस अस्पताल का शिलान्यास माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था कि आसपास के ग्रामीणों को सुविधा मिल सके और यह अस्पताल में भी सभी सुविधा मौजूद भी है। यह 40 बेड का अस्पताल है। यहां डॉक्टर और सभी स्टाफ के रहने के लिए व्यवस्था भी की गई है। इमरजेंसी में चिकित्सा का लोगों को सुविधा मिले, लेकिन इस क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य यही है कि इस अस्पताल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है। विधायक के नजर में ये अस्पताल सही जगह नहीं बनी है। इस अस्पताल में बंदरबांट हुआ है, निजी स्वार्थ के लिए बनाया गया है और ये यूपीए के सरकार ने बनाई है, इसलिए ये अस्पताल सही नहीं है। हॉस्पिटल बना है तो इसमें लाभ तो मिलना चाहिए। कितना आदमी है कुल? यहाँ होगा भाई 200। आप तो क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द चालू हो। उद्घाटन कैसे होगा? यूपीए सरकार हॉस्पिटल बनाया है, अभी एनडीए का सरकार है। राजनीति में यही सब तो खेल चलता है। कोई दूसरे नेता का काम किया हुआ का सफल में देगा नहीं, ये चल रहा है। बाटुल जी यदि समझदार होते तो ये हॉस्पिटल अब तक चालू हो गया होता। निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्व चलता है नेता लोगों में, जिसका खामियाजा जो है सो जनता भुगत रहा है। आज ये हॉस्पिटल यदि बन जाता तो जनता को कितना सुविधा होता है। यहाँ पर दूर दूर बोकारो चाहे धनबाद ले जाना पड़ता है लोगों को, फैसिलिटी का सहूलियत नहीं होता। नेता लोग नहीं समझता जनता का दुख और दर्द। सरकार ने बहुत अच्छा सोच के अस्पताल को बनाया था और यहाँ की जनता को ये बनते हुए आशा था कि यहाँ गरीबों को लाभ मिलेगा, गरीबों को उपचार मिलेगा। लेकिन जिस दिन से कंप्लीट हुआ है, बन के तैयार हुआ है, किस कारण से क्या दिक्कत है अभी तक चालू नहीं हो पाया है और करोड़ों रुपये की राशि यहाँ पे सरकार का लगा हुआ, इसका लाभ जनता को नहीं मिल पा रही है। रघुवर दास ने जगह जगह पे अस्पताल खोल रहे हैं, सब कुछ खोल रहे हैं, सब जगह लाभ दिया जा रहा है। यहाँ खुला हुआ अस्पताल को शीघ्र चालू करें ताकि यहाँ के पूरे चंद्रपुरा प्रखंड के पंचायतों को लाभ मिल सके। हेल्थ सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लूट हुआ है, इसके लिए उस समय के जनप्रतिनिधि पूर्ण रूपे न जिम्मेवार है, गलत जगह बनाने के लिए जिम्मेवार हैं, गलत जगह सिलेक्शन करने के लिए जिम्मेवार हैं, और वैसे जगह पर जहां आम जनता जा नहीं सकती है वैसे जगहों पर बनाया गया है। ये जनप्रतिनिधि उन्हें निजी इंटरेस्ट के लग रहा है कि निजी इंटरेस्ट के चलते जो है कहीं ना कहीं इस तरह का प्लानिंग कर करके इस तरह का काम। झारखंड में बगोदर विधानसभा के सुदूरवर्ती गांव डुमरिया टांड में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो के द्वारा कालीकरण रोड का शिलान्यास किया गया। राज्य संपोषित योजना के तहत 1,04,00,000 की लागत से रोड का यहां निर्माण होना है। डुमरिया टांड एक ऐसा गांव है जो 3 जिलों के सीमा में बसा हुआ है। एक तरफ गिरिडीह तो दूसरे तरफ हजारीबाग एवं तीसरे तरफ बोकारो जिला के इलाका स्थित है। साथ ही यह गांव आदिवासी बाहुल्य इलाका है। आने वाले समय में पेयजल, बिजली, सिंचाई के साधन आदि की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। कहा कि रोड को बनाने से ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी। मौके पर डुमरिया टांड से तेतरिया मोड़ से नूनू मांझी घर तक कुल 1.65 किलोमीटर तक रोड बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों ने विधायक से कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिए जाने की मांग की है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे। रोड बनने से यहां के ग्रामीणों में काफी खुशी और उल्लास का माहौल देखा गया है। तरिया मोड़ से नूनू मांझी के घर तक का रोड बनेगा ये, और यहां से तेतरिया मोड़ से फिर चला जाएगा 3 सिमाना तक। ये रोड बन जाने से डुमरी प्रखंड मैंने डुमरी विधानसभा और इधर आपको विष्णुगढ़ प्रखंड के सीमाना है, और उधर आपको यहाँ से बोकारो थर्मल का दूरी बहुत कम है जो बोकारो ईस्टर्न सिटी जिला में पड़ता है। बोकारो जिला में ये रोड बन जाने से ये लोगों की समस्या जो थी बरसों से, मैंने आज़ादी के बाद से आज तक बना नहीं था, और आज झारखंड का जो आज़ाद राज्य हुआ झारखंड 15/11 को, उसी दिन आज हम लोग को शिलान्यास करने का मौका भी मिला। इस गांव को लोगों को तोहफा हम लोगों ने दिया है। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के आष्टे स्थित इंदिरा नगर के वासियों को इन दिनों काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहां नालियों को कोई नियोजन नहीं होने के कारण घरों का पानी रास्ते पर ही बह रहा है। इसी कारण प्रशासन का ध्यान केंद्रित करने हेतु इंदिरा नगर निवासियों ने आज भीख मांगो आंदोलन किया।
पूरे गांव में भी भीख मांगने के बाद उस राशि को नगर पंचायत के मुख्य अधिकारी को सौंपा गया। सस्कोबा के मांड नदी के रेत का लगातार अवैध उत्खनन के बाद भी रायगढ़ का खनिज विभाग मौन है। खनिज माफिया सैकड़ों ट्रैक्टर यहां के मांड नदी से रेत निकाल रहे हैं, जिसमें पुलिस और वन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। इस अवैध खनन को लेकर रायगढ़ का खनिज विभाग बेखबर है। मांड नदी के जिस जगह से रेत निकल रहा है वहां रेत माफियाओं का कब्जा है। ये लोग प्रति गाड़ी 350 रुपए लेते हैं, जिसमें पुलिस और वन विभाग का हिस्सा भी रहता है। रकम वसूल करने वाले कुली का काम करते हैं और इस कारण शासन को लाखों रुपए राजस्व का नुकसान हो रहा है। कमल बताओ कि तुम लोग यहाँ पास किस चीज का पैसा ले रहे हो? हम केवल भरने का ले रहे हैं। कितना रुपए ले रहे हैं? 250 रुपया। और 100 रुपए तो जो रॉयल्टी के नाम और चौकी और बैरियर चला जाता है। कहाँ पर? 100 रुपए वाला जो बैरियर चौकी और बैरियर वाला राम सिंह परस्ते वो बोला है। हाँ। कितना रुपए लेने के लिए बोला है? 50। 50 रुपए। हाँ। और नाका वाला? नाका वाला वो पता नहीं, लेकिन वहाँ जो आदमी बैठा के रखा है वो ले रहे हैं। कितना रुपए बोले हैं? मतलब 50 रुपया हर गाड़ी में दोनों। सस्कोबा से? सस्कोबा से। हाँ। कितने पैसे लेते हैं आप लोग से? 300 लेते हैं। 300 लेता है? नाम मालूम है आपको? नहीं, मतलब इन सस्कोबा का भरने जाते हैं उन लोग लेते हैं, रॉयल्टी भी नहीं देते। रॉयल्टी देते हैं? नहीं देते। पर्ची वगैरह कुछ दिए आप लोगों? नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं देते। क्या बोल के पैसा लेते हैं आपसे? कि चिंता मत करो, हम ही लोग निपट लेंगे हैं बोलते हैं। हाँ, लोट करने भी नहीं देते हैं। अगर ठीक पैसे दोगे तो? हाँ। और कितने रुपए लेते हैं? 100 रुपये रॉयल्टी का लेते हैं, लेकिन रॉयल्टी नहीं देते हैं। टोटल कितना लेते हैं? टोटल 300 लेते हैं। रोजाना लेने आते हैं आप लोग? हम लोग तो कभी कभी आते हैं। पर रोजाना हर निकलती है? निकलते हैं, बहुत गाड़ी आता है। ऐसा अभी तक उसकी चौकी में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है? बिना रियल्टी के सर वहाँ से रेत उठाव किया जा रहा है सर। बताया ना कि कोई ना पंचायत द्वारा शिकायत की जा रही है ना किसी पब्लिक द्वारा किया गया है। जी सर, वहाँ की शिकायत की जाएगी तो कार्रवाई होगी। नहीं, चौकी के सामने से तो तमाम गुजरती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई वहीं से लाता है। रियल्टी वाले जगह से भी लाया जा सकता है, तो इसलिए चेक नहीं किया गया। किया गया है तो परसों भी आए थे, अभी खनिज विभाग वाले तहसीलदार साहब आए थे जो यहाँ होटल भी सीज किए हैं नंदन झरिया में, लेकिन रेत के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त तो सर ना कोई नहीं देते हैं, ना कोई देता है, ना कोई ट्रैक्टर वाला यहाँ आता भी नहीं। तो नहीं सर, वो आपका एजेंट रखा हुआ है सर वहाँ? नहीं, ऐसा कोई कौन सा एजेंट है बता दे, नाम बताइए उसका सर। हम उसका नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई ना एजेंट है, ना कोई हमारा कोई आदमी है, ना कोई पुलिस वाला जाता है, ना हम जाते हैं। सर आप नहीं जाते वहाँ पर? रखा हुआ है सर, वो पैसा ला कर वो आपको देते हैं? नहीं देते जी सर। क्या लगता है? क्यों देगा हमको पैसा भाई, किस बात के लिए पैसा देगा? पंचायत पब्लिक को करना चाहिए, या खनिज विभाग है तो वो भी हमको बोलते कि सहायता करना है या कार्रवाई करनी है, ऐसी कोई बात नहीं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे INN24 पर। नमस्कार।